तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार। देखिए अगर आप कोई काम में एक बार असफल हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिरकर जो उठता है वो बड़ा होता है, जिसने कभी गिरने की कोशिश नहीं किया वो तो बिना गिरे ही खड़ा होता है, उसकी तो बात ही अलग है। आगे देखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इन तर्ज पर आपकी ये क्लास होगी। बार वाले सवाल, अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाते हैं जिस पर ये ऊपर लाइन लगी होती है और इस लाइन को देखकर आपके भी दिल की लाइन खींच जाती है कि भाई ये क्या है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। बहुत आसान होता है ये, इसको मैं आपको बिना हल किए उत्तर बता दूंगा और आपको ट्रिक पहले बता दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन आज इस क्लास में आपका क्लियर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/9, इसका राइट आंसर 37/99, इसका राइट आंसर 76/99। अब आप कहोगे भाई ये कैसे लिख दे रहे हैं सर फटाफट, इसका भी एक तरीका होता है, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दिखाऊंगा फिर आप बताइएगा। जितना डिजिट पे बार लगा होता है नीचे उतना बार 9 9 और बाकी ये सब हटा देते हैं, सारा झंझट खत्म। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और तीसरे क्वेश्चन तक चलेंगे। आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट रहेगी अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद। तो देखो भाई जो दिया होता है पहले उसको यक्स के बराबर मानते हैं, माना यक्स बराबर इतना, ये मान लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका फर्स्ट, लेकिन ये स्थिति बनती कब है, ये बनती तब है जैसे अगर आपको कभी 20 में भाग देना हो 3 से, ये लो 20 में भाग दे लो तो 3 छंग ये हो गया 18, ये घटाने पे 2 आया, ऊपर 0.0, 3 छंग 18, फिर 2 आया, दोबारा 0.0 नहीं जाएगा जी, एक बार 0.0 बढ़ाया अनलिमिटेड 0 उतारो, 3 छंग 18, फिर 2, 3 छंग 18, यानी 6 6 आप देख रहे हो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये लाइफ टाइम जाएगा। तो इसी बीमारी को दूर करने के लिए यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगा दिया जाता है और कुछ वैसे स्थिति यहाँ पर बन रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये बार लगा है इसमें बहुत बार 6 शामिल है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो यक्स बराबर 0.5555555 ... लिख सकते हो ना। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ना मान के अगर आप इसको मान लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आप क्या करेंगे, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, देखिए इसमें एक अंक पर 0.0 लगा है तो अब आप इसमें क्या करोगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों करेंगे, जिससे कि ये हम हल करके x का मान निकाल सकें, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x बराबर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप 0.5 में 10 का मल्टीपल करोगे तो 10 5 50 आएगा, एक अंक पर 0.0 लगाओगे मतलब 5 आएगा, यानी 0.5 में 10 का मल्टीपल करोगे तो 5 आएगा। कहने का मतलब ये है अगर आप 50 पैसा 10 सिक्का ले लेते हो 50 50 पैसे का तो आपके पास 5 रुपये हो जाता है, वही है ये। तो ये कुल मिला के आपका 5 पॉइंट, ये 5 5 आएगा, ये आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा। आपका उत्तर जस्ट आपके सामने आने वाला है, एक लाइन और लिख लो, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटा लो भाई, सिंपल सी बात है, 10x = 5.5555 ... इसको आप लिखोगे x बराबर 0.5 और 555 ... जब आप इसको घटाओगे चिन्ह बदलेगा, ये 9x बराबर, यहाँ पर गौर करने वाली बात है जहाँ पर आप लोग अटकने वाले हो तो अटकिएगा, बिल्कुल मत अटकिएगा। देखिए इधर सब 5 5 है, ... इधर भी होगा, यानी 0.0 के बाद जो है सभी 5 5 ही होगा दोनों में, तो आप इसको ऐसे काट के खत्म कर सकते हो समझने के लिए। इधर 5 में से 0 घटाओगे 5 आएगा, 9x = 5 आ गया। यहाँ से अब अगर आपको मैं निकाल के दिखाऊं तो x की वैल्यू आप पा गए, है ना जी, 9x = 5 आ गया। तो आप लिख सकते हो क्या, अरे वही जो आप जानते नहीं हो, ये 9x = 5, ये 5/9 आ गया ना, छाप लीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप निसंकोच बोलिए, दिल खोल कर बोलिए। अगला सवाल पे चलते हैं हम इसी में बिना रुके बिना टिके, है ना। अगला सवाल हम आपको करवा देते हैं, लेकिन इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके नोट करिए तुरंत, हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा है अंतर, क्योंकि ये 2 अंक पर बार है इसमें और इसमें केवल 1 अंक पर था,
तो इसकी तरफ रुख करते हैं, इसको भी मान लेंगे, माना 0.37 इक्वल x। क्या मैं सही मान रहा हूँ जी? अरे बाबू इसको बाद में रखो, x को पहले रखो ना, किसी के बराबर मान लीजिए। x जरूरी नहीं है कि x के साथ इसका कोई गठबंधन हो गया है, आप इसको y के बराबर मान लो, b के बराबर मान लो, कुछ भी मान लो, हो गया। अब दोनों पे बार लगा है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर ये 0.37 0.37 3737 ये ऐसे रहा होगा, इसका मतलब यही होता है। जिस पे बार लगा है वही आया है बार बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे यहाँ पर, जरा गौर करिए, यहाँ दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे इसमें, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ठीक है, समझ रहे हो ना, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, आप 100 से दोनों पक्षों में गुणा करोगे, ये 100x हो जाएगा। इसमें आप करोगे यानी 0.37 में 100 से मल्टीपल करोगे तो आप पाओगे 37.0, है ना, तो ये हो जाएगा 37.37 37 37 37। और बार बार ये करेगा 7, और कहाँ होगा इसका 7 कुछ नहीं मालूम है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन घटा लोगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर, तो जब आप घटाओगे तो वही पाओगे जो अभी तक आपको मिलता आया है, ये लो, ये आएगा आपका x इक्वल 0.37 37 37। इधर का पॉइंट का सब कट जाएगा, इधर आ जाएगा 9x, ना बाबा 9 नहीं आएगा, 99 आएगा, इक्वल 37। और फिर आप फाइनल में पा जाओगे x इक्वल 37/99। बात पल्ले पड़ गई होगी, जल्दी से वीडियो को रोकिए, इसी पर तुरंत लिखिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो रात्रि के 2:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने का क्या मतलब हुआ, इंडिया बहुत पीछे हो जाएगा बाबू। तो फिर योगदान दीजिएगा अपना और इस वीडियो को शेयर करके रहिएगा, बिना शेयर की मत मानिएगा। मैं आपको इसको ये नहीं बोलता हूँ कि सैकड़ों लोगों को भेजिए, आपके व्हाट्सएप पर जो भी पढ़ने वाले हों, आपके भाई बहन, अंकल आंटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है सभी को भेजिए और देखें, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। कितना भी सुंदर मकान क्यों ना बना लो, अगर उसका बेस कमजोर है तो उस मकान की कोई आयु नहीं होती है। उसी तरह से आपकी स्टडी, आप बहुत सारे डिग्री लेकर के रख लीजिए लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुश्किल का सामना ठोकर खाते चलेंगे। इसलिए बेसिक क्लियर रखिए। जो लोग ट्रिक के बादशाह बनते हैं उनका बेसिक क्लियर होता है, क्योंकि बेसिक ही ट्रिक को जन्म देती है, ठीक है। तो बेसिक क्लास करने के लिए पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करके और घंटी को बजाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी भी घंटी बजने वाली है, अगली क्लास आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ गए ना। तो इस क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास आपकी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में दिए गए शेड्यूल के अनुसार। जीरो लेवल बेसिक मैथ देखने के लिए और क्लास को अच्छे से समझने सीखने के लिए आप लोग शाम 7:30 बजे से लाइव देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और 13 जून से हमारी कोशिश होगी आपकी क्लास फिर से रेगुलर होने लगेंगी। अभी तो आप स्पेशल क्लास देख रहे हो 10-5 मिनट की, है ना जी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही, ना अभी नहीं, अभी पीवीआर स्टडी को आप लोग फेसबुक पर अवश्य फॉलो कर लें। फेसबुक पर लिखकर सर्च करें पीवीआर स्टडी, जो आएगा पेज उसको लाइक करना है और फिर फॉलो करना है। ट्विटर पर लिखकर सर्च करिए पीवीआर स्टडी, इंस्टाग्राम पर लिखकर सर्च करिए पीवीआर स्टडी, और चारों तरफ आग लगा दीजिए। पीवीआर स्टडी का जलवा आप लोगों के कारण होने वाला है, और जल्दी से जून बीते बीते बरसात के दिन आने के पहले 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को समझें, हम आपके लिए हैं, जब तक सांस में सांस है तब तक, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक, YouTube नहीं रहेगा तब भी कोई प्लेटफॉर्म खोजा जाएगा, आप लोगों के सहयोग से नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, बस आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, फिर से इस क्लास के लिए इंतजार करिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए उम्मीद के साथ। भेजना मत भूलिएगा मित्रों को, और भाई मित्रों को मत भेजिएगा तो गर्लफ्रेंड को जरूर भेज दीजिएगा।